अब थोड़ी देर में दरबार लगेगा, हमारी महिमा नहीं है, बालाजी की महिमा है। और भैया आज तक का इतिहास है, हमारी तीन पीढ़ियों से दरबार लग रहा, आज तक कोई भी बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। सबकी झोली बालाजी ने भरी। बागेश्वर धाम हमारा नाम नहीं है। जो भी भक्त लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उसका काम सफल हो जाएगा। स्वयंभू बालाजी हैं, 320 साल से विराजमान तुम्हारे राजस्थान में। एक जगह साला सर बालाजी के रूप में बैठे हैं, दूसरी जगह मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे हैं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान हैं। और लाखों लोग जाते हर मंगलवार शनिवार। भैया राजस्थान के प्रियजनों रोते हुए जाते हैं, बागेश्वर धाम से हंसते हुए आते हैं। खाली हाथ जाते हैं और झोली भर कर लेकर, लेकिन उसी की झोली भरती जो नियम का पालन पेशी, जो पेशी करता नियम का पालन करता। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। जो भी इस मंत्र का जाप लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद बागेश्वर धाम की पेशी करता है, उसका पर्चा बने या ना बने, सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सिद्धों की सेना है, उसको स्वप्न में दो दिन तक बंदर दिखाई देते हैं। और कोई भी काम हो जो नियम पेशी और पुरुषार्थ करता, उसका काम सफल हो जाता है। कैसी भी बाधा हो, कैसा भी रोग हो, भैया बागेश्वर बालाजी का दरबार ऐसा दरबार है। वर्तमान में सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, सनातन धर्म को नीचे दिखाया जा रहा था, और हलीउल्लाह वाले धर्मांतरण करवा रहे थे भोले भाले हिंदुओं का, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। और देखो दरबार थोड़ी देर में लगेगा, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारे वाईफाई में सिग्नल पूरे रहते हैं और हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो हटवा दो। भैया अपना तो 100 का सीधा प्लान है, ना तुम फुसकारो ना हम काटेंगे। अगर तुमने फुसकारा तो छोड़ा नहीं जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई पुरुष स्त्री नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। बोलो सीताराम। ये हम धमकी नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर है। बोलो सीताराम। लेकिन एक और प्रार्थना, हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। हमें हनुमान जी ने शक्ति दी है तो धन कमाने के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है। किराया उधार उठा करके आते हैं, पैदल चलकर आते हैं, उनका भला करने के लिए दी है। बालाजी की शक्ति किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं हमें मिली ना, ये तो हनुमान जी की कृपा है अपने भक्तों के विश्वास को बढ़ाने के लिए। भैया बागेश्वर बालाजी की जो कृपा है वो हमारे ऊपर नहीं है, हमारे दादाजी पर थी, हमारे दादा गुरुजी के दादा गुरुजी पर थी। तीन पीढ़ियों से दरबार लग रहा है, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कवाड़ी आओ कहाओ, लेकिन आज तक हमने अपनी आंखों से देखा
बागेश्वर धाम से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ, जितने लोग पंडाल में पंडाल से बाहर बैठे हैं, आज तुम्हारी सामूहिक अर्जी लगेगी, तुम नियम का पालन शुरू कर देना, तुम भी बागेश्वर धाम से खाली हाथ नहीं जाओगे। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो दोनों हाथ उठा के, जय सियाराम। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें, मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, ठठरी के बरे, क्या हनुमान जी घर के अंकल है? नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांसमंदरा बंद पेशी, बस इतने में ही हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, प्रेतराज सरकार की। हाँ, जिनको बुलाया जाए उन्हीं को आना है दरबार में। एक बात और, पंडाल में बाहर हमारे नाम से बहुत फ्रॉड घूमते रहते हैं, जो तुम्हें कहेंगे गुरुजी से मिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। दरबार निशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। भारत के हिंदुओं को गौरव होना चाहिए, बागेश्वर धाम बालाजी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों समय भंडारा निशुल्क। भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। भैया, इस साल 155 बेटियों के विवाह हो गए, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी गई है। अगली साल 2025 में 251 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, नारियल फूटे छे। इसलिए आपको अपना नाम, अपनी समस्या किसी को नहीं बतानी है, और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया? जिन्हें सन्यासी बाबा बुलाएंगे उनकी पर्ची खुलेगी, पर्चा खुलेगा, उन्हें बुलाया जाएगा। और भैया, जिन्हें ना भी बुलाया जाए उनकी भी अर्जी लगाई जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोला तो सुना, पर्चा बनाना तो बहाना है, असलियत में भारत के हिंदुओं को जगाना है। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता, जरा हाथ उठाइए, पक्का या कच्चा, जोश में या होश में, एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। सुनो, हमारी तीन बातें मानोगे? बोला, मानोगे? मानोगे? पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख नालायक, हम तो ऐसे ही साधारण है, हमारे चक्कर में क्या पड़ना? जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटली बांध देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का समाधान दे देते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना, और जब भी कोई काम करने जाना सन्यासी बाबा का नाम लेकर जाना, तो चलो सन्यासी बाबा जाओ। जितने लोग आज पंडाल में बैठे हैं या खड़े हैं, तुम जहां भी जाओगे फतेह करके आओगे। तीसरी शर्त, जब भी बालाजी के चरणों में जाना, कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, तुम हमारे। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाह रहा है? सही में
तो नियम करोगे, पेशी करोगे, बालाजी बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ोगे, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। आइए अब आज की कथा विराम करते हैं, हम थोड़ा सा चाय पी लें, क्योंकि हमारा बुढ़ापा आ गया ना, अब हम थोड़े बूढ़े हो गए तो जल्दी थक जाते हैं। पहले तो हम जवान थे तो 18 घंटे बोल लेते थे, अब 3-4 घंटे बोलने के बाद हमारी आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला खा, अब हमारा बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जब तक जिएंगे तब तक मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे।